हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम गर्मियों के लिए खूबसूरत सी श्रग की डिज़ाइन सीखेंगे। अक्सर करके गर्मियों के लिए जो हम कॉटन के धागे से श्रग बनाते हैं वो जालीदार होता है, तो अक्सर है तो हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन लेके एक छोड़ेंगे, फिर एक बनाएंगे। सिंपल बनाते हैं तो सिंपल नहीं बनाना है, थोड़ी डिज़ाइनदार जाली हम बनाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं एक और आपको जाली की डिज़ाइन बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने नॉर्मल वुल ली है, गंगा के डार्लिंग ऊन है ये, देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारी ऊन है, बहुत सॉफ्ट है। तो ये मेरे पास ऊन है, आप इसे कॉटन के धागे से बनाएं या सिल्क धागे से बनाएं। क्रोशिया हुक मैंने 3.5 mm का लिया है, 3.5 mm का। तो देखिए फर्स्ट इसकी जो स्टार्टिंग है मल्टीपल ऑफ 8 चैन से करनी है, 8 के मल्टीपल में चैन बना के ले लेना है और आपको 20 रो इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है, ठीक है। तब देखिए पहली रो यहाँ पर हम 6 चैन बनाएंगे, देखिए ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये हमने 6 चैन बनाई। अब 6 चैन के बाद देखिए ये इसमें बनाई है, फिर 1 2 छोड़ेंगे, तीसरे में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। फिर एक चैन लेंगे, फिर एक छोड़ के नेक्स्ट में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक। फिर 1 2 3, 3 चैन, फिर देखिए यहाँ पे 1 2 छोड़ेंगे, तीसरे में डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। फिर 1 2 3, 3 चैन लिया, फिर 1 2 छोड़ा, तीसरे में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर एक चैन लेंगे, फिर एक छोड़ के नेक्स्ट में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ये देखिए। तो यही आपको लास्ट तक बनाना है, देखिए यहाँ पे 1 2 3, 3 चैन और 1 2 3, तीसरे में देखिए 1 2, तीसरे में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम 1 2 3, 3 चैन, फिर 1 2 छोड़ेंगे, तीसरे में सिंगल क्रोशिया, एक चैन, फिर एक छोड़ के नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3, 3 के बाद फिर 1 2 छोड़ के नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2 3, फिर यहाँ पे 1 2 छोड़ के तीसरे में सिंगल क्रोशिया, एक चैन, फिर एक छोड़ के नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमको लास्ट में बना लेना है लास्ट तक। ये देखिए हम लास्ट में हैं, तो यहाँ पे 1 2 3, 3 चैन बनाएं और देखिए यहाँ पे 2 छोड़ के तीसरा जो चैन है, शुरू में चैन होती है तो उसमें हमने इसे यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लिया, ये देखिए। तो ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। पूरी डिज़ाइन हमको इसी रो में बनानी है, मतलब थोड़ा सा अल्टरनेट करके, बाकी पैटर्न यही है। तो देखिए सेकेंड रो, तो अब देखिए सेकेंड रो में क्या करना है, पहले हम यहाँ पे एक चैन बनाएंगे, फिर यहाँ से टर्न होंगे, अब इसमें आपको जो है एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 चैन, अब देखिए ये जो एक चैन बनाई थी इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। फिर 1 2 3, 3 चैन, अब देखिए इसमें आपको एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, देखिए इसमें, फिर एक चैन लेंगे, फिर एक और सिंगल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे, देखिए इस तरह से, ये यहाँ पे आ गया पास में, देखिए इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 2 3, 3 चैन, और देखिए ये जो है लूप वाला इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3, 3 चैन, फिर देखिए इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया, एक चैन, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3, 3 चैन, और फिर इसमें हम सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए इसमें, फिर यहाँ पे 1 2 3, 3 चैन, अब देखिए ये जो लूप है इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, एक चैन, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3, 3 चैन, और फिर देखिए इसके अंदर हमें डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3, इसमें हमने सिंगल क्रोशिया, एक चैन, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3, 3 के बाद फिर इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2 3, 3 चैन, अब देखिए यहाँ पे हम पहले तो एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अब यहाँ से तीसरी चैन काउंट करेंगे, 1 2 3, तो जो तीसरी चैन है इसमें हम एक और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ये देखिए इस तरह से बन गई। तो अब देखिए यहाँ पे आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, ये हमने 4 चैन बनाई, ठीक है। अब इसके बाद इस 4 चैन को आपको इसके अंदर देखिए यहाँ पे हमें
सॉरी, चार के बाद फिर तीन और बनाना है, एक दो तीन, यानी कि स्टार्टिंग में हमें सात चेन बनानी है, फिर इसमें यहाँ पे हम इसे सिंगल क्रोशे से ऐड करेंगे। देखिए इस तरह से हमें तीन तो डबल क्रोशे, चार डबल क्रोशे के लिए, और ये तीन हमारा मुड़ने के लिए है। फिर एक चेन, फिर इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए फिर यहाँ पे एक दो तीन, तीन चेन, और देखिए यहाँ पे ये हमने स्पेस लिया है, इसमें इसमें आपको डबल क्रोशिया। बस आपको स्टार्टिंग का ध्यान देना है कि स्टार्टिंग कैसे करनी है, बाकी तो आपकी डिज़ाइन इसी तरह से सेम एक ही रो की डिज़ाइन है। ठीक है, फिर से एक दो तीन, और देखिए यहाँ पे जो डबल क्रोशिया, इसके बाद पास में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक चेन लेना है, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया लेना है, फिर एक दो तीन, फिर इसके अंदर देखिए डबल क्रोशिया, ठीक है, फिर एक दो तीन, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोश, सिंगल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक दो तीन, यहाँ पे डबल क्रोशिया, एक दो तीन, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया, एक दो तीन, यहाँ पे डबल क्रोशिया, नीचे के पे जो हमने एक चेन ली है वहाँ पे डबल क्रोशिया रहेगा, और जो डबल क्रोशिया बना है उसके अगल बगल हमारे पास सिंगल क्रोशिया रहेंगे। देखिए यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, और फिर एक और सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे एक दो तीन। अब देखिए यहाँ पे जो है, ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बना लेंगे, ये देखिए, ठीक है। तो अब ऐसे ही आपको बनाते जाना है। स्टार्टिंग यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे हम पहले एक चेन बनाएंगे, फिर इसमें वापस से एक, यहाँ पे जो है एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक दो तीन, तीन के बाद इसमें आपको देखिए एक चेन है, इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, फिर एक दो तीन, फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही बनाते जाना है, तो मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन बनती है, देखिए लग रही है ना प्रिटी, बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है। आप इसे बच्चों के ठंडी के जैकेट भी बना सकते हैं, फुल स्लीव स्वेटर पे या स्लीवलेस स्वेटर के ऊपर आप इसकी जैकेट बना के डाल सकते हैं। ऊन से बनाएंगे तो भी आप तो ठंड का भी काम करेगी, अगर कॉटन के धागे से बनाते हैं तो गर्मी में खूबसूरत टी शर्ट वाला या स्लीवलेस बैकलेस टॉप के ऊपर आप इसका श्रग बना सकते हैं। तो खूबसूरत सा पैटर्न है, मुझे उम्मीद है आपको पैटर्न पसंद आएगा। पैटर्न पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताना, बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको मेरी डिज़ाइन कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।